इमिग्रेशन कार्ड भरना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर होता है सरनेम होता है, गिवन नेम होता है, मतलब नाम होता है आपका। तो लो जी, मैं हो गया एग्जिट थाईलैंड से। वो है चेक पॉइंट, थाईलैंड है कंबोडिया का। तो जी हाँ, स्वागत है आपका कंबोडिया के अंदर। इंडिया फूड, इंडिया फूड all away। ये भाई साहब मिले, बोलते हैं इंडिया से हो। मैंने बोला जी हाँ मुंबई, जी हाँ मुंबई। $2 में सिम मिल रहा है, $1 में मुझे रिचार्ज मिल रहा है 7 दिनों का, तो $3 में मेरा काम बन रहा है। टाइम 5:40 पहुंच गया कंबोडिया बॉर्डर। यहाँ से मुझे 600 मीटर चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैं चेक पॉइंट पे चले जाऊँगा, एग्जिट का स्टैम्प ले लूँगा थाईलैंड का, और फिर चले जाऊँगा इमिग्रेशन के लिए कंबोडिया बॉर्डर। इमिग्रेशन ऑफिस थाईलैंड, इमिग्रेशन ऑफिस। तो लो जी, मैं हो गया एग्जिट थाईलैंड से, अब जा रहा हूँ कंबोडिया बॉर्डर। सामने आपको जो दिख रहा है वो है चेक पॉइंट थाईलैंड एंड कंबोडिया का बॉर्डर। तो ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चालू हो जाएगा कंबोडिया, कंबोडिया के इमिग्रेशन पे जाऊंगा, फिर बताऊंगा सारी जानकारी। होटल बुकिंग मांगी, फ्लाइट टिकट मांगी, या फिर क्या क्या मांगा और क्या क्या और क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी थी मुझसे, सारी जानकारी इस वीडियो में। तो लेट्स गो। तो जी हाँ, स्वागत है आपका कंबोडिया के अंदर। काफ़ी स्मूथ इमिग्रेशन रहा, कुछ भी नहीं पूछा भाई साहब, बस ले लिया, बस ई वीज़ा ले लिया, चेक किया, एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा, ना होटल बुकिंग पूछी, ना कितने पैसे ना पूछे, बस वैक्सीनेशन पूछा और पासपोर्ट चेक किया और स्टैम्प दे दिया। तो काफ़ी अच्छा इमिग्रेशन रहा मेरा कंबोडिया का। काफ़ी लोगों का इससे पहले बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ई वीज़ा है आपके पास तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ई वीज़ा दिखा दिया। ई वीज़ा लेके आ रहे हो तो 2 प्रिंट ले जरूर लेके आना, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये भाई साहब मिले, बोलते हैं इंडिया से हो। मैंने बोला जी हाँ मुंबई, जी हाँ मुंबई। आई नो। सो हाउ टू थैंक यू इन कंबोडिया, थैंक यू। अकन भाई साहब, अकन। तो फिलहाल देखते हैं सिम कार्ड के क्या प्राइजेस है, और प्राइजेस ऑफ सिम कार्ड, आई विल जस्ट चेक। सो भाई साहब से मैं पूछने की कोशिश कर रहा, यहाँ पे 7-Eleven है या नहीं, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि नो 7-Eleven। 7-Eleven इज फ्रेंचाइज फ्रॉम थाईलैंड, ओनली थाईलैंड। व्हाट इज कंबोडिया, व्हाट इज कंबोडिया? वी हैव लाइक Amazon, Amazon, yeah, और पिज़्ज़ा कंपनी, पिज़्ज़ा कंपनी, नो नो स्टोर, 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 मी क्राउन, क्राउन, नो फेमस स्टोर, फेमस स्टोर लाइक 7-Eleven लाइक दैट। मिनी मार्ट, स्टार मार्ट। और कंबोडिया में अगर आते हो तो मिनी मार्ट और स्टार मार्ट भाई साहब बोल रहे हो, तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर है, सिसिफन एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, फिर देखेंगे। ए इंडिया फूड, इंडिया फूड, इंडिया फूड। सो है भाई साहब थे, तो भाई साहब ने मुझे अच्छी तरीके से समझाया सिम कार्ड का। $2 में सिम मिल रहा है, $1 में मुझे रिचार्ज मिल रहा है 7 दिनों का, तो $3 में मेरा काम बन रहा है इंटरनेट का फिलहाल के लिए। सो मैं अनदर सिम, सेकेंड सिम, विच वन? दिस वन सेल खान, दिस वन सेल खान, दिस वन मत फोन। सो हाउ मच फॉर दैट? Same price? Yeah. And same internet? Price. Internet 1 week. Same price? Yeah, same price. So which one is better? Better? No, understand. YouTuber. YouTube. You can play. No. Play. No. YouTube. Video. YouTube. Yeah. So which one is better? Better. Who's better? What? Good. Translator. Translator. Mobile. Your mobile translator. भाई से मांगते translator. Good. Your smile. Good.
that. English, English? Yeah. I'm not snatcher, I'm just staying here. Oh, yeah. तो भाई को ट्रांसलेट करके बताते हैं। भाई साहब अब क्वेश्चन मार्क है, मैंने $50 दे दिए है, $30 उनके पास छुट्टा है, लेकिन वो बोल रहे कंबोडियन मनी दे दूँ क्या है, लेकिन मैं कंबोडियन मनी लेकर क्या ही करूँ, सभी जगह डॉलर एक्सेप्ट हो जाता है, क्या ही करे फिर, कंबोडियन मनी का तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, इससे अच्छा कि डॉलर में ही संभाल लूँ। यार एक जगह पर खाना खाने आया था तो मैं पूछा प्राइस कितना है, बोलते 60 baht, सो मैंने बोला कि ज़्यादा ले रहे, बोलते कि सबसे पूछ लेना मैं 60 baht ही लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, देखते। ओके ओके सो भाई साहब कोई बात नहीं, खा लेते खाना, भूख तो लगी यार। चल ठीक है यार कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ सारी चीज़ें क्या है। जैसे आप थाईलैंड से एग्जिट हो जाओगे तो आगे 100 meters चलने के बाद आपको कंबोडिया का इमिग्रेशन ऑफिस मिलेगा, वो उसके ऊपर चलने के बाद सीधा बस एक आपको इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे क्या बोलते पता नहीं, आपको दिखाता हूँ मैं। फिर इमिग्रेशन कार्ड भरना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर होता है सर नेम होता है, गिवन नेम होता है, मतलब नाम होता है आपका, फीमेल में मतलब जेंडर सिलेक्ट करना होता है, बर्थ डेट है, नेशनलिटी लिखना होता है, पासपोर्ट लिखना होता है, आप कहाँ से आए हो, फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी आपकी, पर्पज़ क्या है, टूरिज़्म लिख देना, आपकी एज पूछ सॉरी कितना दिन रुकने वाले है पूछा जाता है। उसके बाद अगर आपके पास ई वीज़ा है तो अगर वीज़ा है आपके पास तो वीज़ा नंबर लिखना होता है, आपका ईमेल एड्रेस या फिर टेलीफोन नंबर लिखना होता है, और एड्रेस इन कंबोडिया। तो आप जो पहले दिन आपका हॉस्टल रहेगा उस हॉस्टल का आप नाम लिख सकते हो। तो बस इतना ही था इस फॉर्म में, तो आसान है काफ़ी। तो उसके बाद आपको लाइन में लगना होता है, और लाइन में लगने के बाद उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन क्या क्या ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बोलता हूँ। आप जितने दिन भी रहने वाले हो उतने दिनों के आप booking.com से फ्री बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस तो मुझसे नहीं पूछा गया, ट्रैवल इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है नहीं है। रिटर्न फ्लाइट टिकट भी नहीं पूछा। हे भाई साहब है, हेलो हेलो। सो उसके बाद मुझसे कोविड सर्टिफिकेट मांगा था, तो कोविड सर्टिफिकेट भी साथ PDF रखना कोविड सर्टिफिकेट की, बस इतना ही था, कुछ एक सवाल भी नहीं पूछा, कितने दिन रहोगे, क्या कहाँ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा ना, कितने मनी है आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे, बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, काफ़ी अच्छा रहा इमिग्रेशन। सो अभी मैं फ़िलहाल खा रहा हूँ खाना यहाँ पर 60 baht में मिल रहा है, काफ़ी लोग बोलते थे कंबोडिया सस्ता है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा महंगा है यार, कोई बात नहीं खा लेते फिर निकल जाएंगे आगे।